और टीवी ले लेते। निकलता नहीं बिकॉज द कोलैब हैड टू स्टार्ट एट 1 o'clock एंड 2 o'clock यहाँ पर है, तो भाई हमने पहले ही मैसेज करके कैंसिल कर दिया। नहीं, ये हमारी नहीं, हमारे जीजा जी की है, हमने टपाई नहीं है, भूल गए, जाके रिटर्न करना है। क्या दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यार बड़े थके लग रहे हैं, बज रहे हैं अभी फिलहाल 2 एंड हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं एज यूजुअल, बिकॉज हमें जाना था अपने साउथ दिल्ली की तरफ, पर अभी तक हम लोग निकल नहीं पाए। ऑलमोस्ट सब पास आउट थे एंड हम लोग यहाँ पे जिम का भी एक शॉट जो हमें लेना था, जिम एंड पूल साइड एरिया का, पूल में तो जाना अलाउड नहीं है, पर हाँ हमें था कि जिम एंड पूल का थोड़ा सा हम शॉट ले पाए, जो हो पाया नहीं बिकॉज हम सुते पाए थे। अभी हमारा प्लान ये है कि हमें कोलैब के लिए भी जाना था, तो अपेरेंटली मुझे थोड़ा कैंसिल करना पड़ा बिकॉज द कोलैब हैड टू स्टार्ट एट 1 o'clock एंड 2 o'clock यहाँ पर है, तो भाई हमने पहले ही मैसेज करके कैंसिल कर दिया बिकॉज वी एक्चुअली वैल्यू टाइम, सच्ची कसम से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का, अभी देख के लग नहीं रहा होगा पर कसम हम लोग को है, टाइम की वैल्यू बहुत है। हमारा खराब हो रहा था, सामने वाले का तो ना खराब हो, इसलिए हमने पहले कैंसिल कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जल्दी से पहुंचते हैं साउथ एक्स में जाके कुछ नाश्ता कर लेंगे, या वन हम काम करेंगे नीचे एरो सिटी की तरह कहीं पे कुछ खा लेंगे, खाना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसके बाद आज जाएंगे मार्केट, जो हमने डिसाइड किया था, बट हम जाएंगे मार्केट, हमें जो हमारे वीडियो लेने हैं, हमें जो आपको बेसिकली मार्केट दिखाना था, जो इसमें मार्केट में जो हवा चल रहा था ना अबाउट दिल्ली लोकल स्ट्रीट मार्केट, जो मैं निकलने से पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, जो आपको रियलिटी दिखाऊंगा वो आप देखोगे आज के ब्लॉग में, एंड उसके साथ क्या होने वाला है हमें खुद को भी नहीं पता, ठीक है, हमारे कोई चीज़ें एक्चुअली हमारे हिसाब से होते नहीं है। अभी निकलते फटाक से झोला लेके। अच्छा क्या क्या लेके जाने का, अंदर एक टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, ठीक है, इधर थोड़े फ्रिज मग्स वो सब पड़ा हुआ, लैपटॉप तो अपना है, और टीवी ले लेते हैं, ठीक है। निकलता नहीं है, सॉरी। ओके जाएंगे, जा रहे ओके। हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा, एज आई सेड, इस होटल में हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, हॉस्पिटैलिटी में इतने अच्छे नहीं है बिस वाले, एरो सिटी वाले, बट अभी तो हार्डवेयर इशू भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिफ्ट खराब है, एंड लिटरली यस्टरडे भी हुआ था मेरे टीममेट के साथ कि जब वो लिफ्ट के अंदर घुस रहा था, लिफ्ट वो है वहाँ पर सेंसर डिटेक्ट नहीं किया, बंद कर दिया, दैट वॉज काइंड ऑफ डेडली, तो हमने कैब बुलाई, ठीक है, यहाँ से जाने के लिए, एंड वो बंदा बुकिंग के बाद क्या मैसेज करता है ये देखो, ड्रॉप कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे निकलने से पहले लोग पर पूछते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि डेस्टिनेशन जाएंगे कि नहीं, क्या मैं ये यही सेम सवाल इधर आके पूछ सकता था, ये मैसेज पहले जानना है कि भाई मेरे को बताओ डेस्टिनेशन इज इट वर्थ इट गोइंग और नॉट। तो भाई फाइनली पहुंच गए साउथ एक्स, भाई साहब बड़ी जल्दी लेके आए वैसे। तीन लोग के लिए इतना बैग का क्या करूं, भूख बड़ी लगी तो अपन लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, जाके थोड़े खाने की चीज़ें दबाएंगे, वरना हमसे ना हो पाई। साउथ एक्स ये गलियों में ना बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं लास्ट आया था 2017 या 2018 में इसी लेन में, एंड उस समय दिस प्लेस डिड नॉट इवन हैव दैट मच ब्रांड्स, एंड राइट नाउ आफ्टर आई गॉट व्हाट 6 years 4 years कमिंग बैक एंड सीइंग, थियो ब्रोमा आ गया था, और क्या चाहिए। ये है साउथ दिल्ली, ट्रैफिक देखना टावर में भी, मेरे को लगता है कुछ सालों में ना ये जगह अपने शहर को भी मात दे देगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है पर ऐसा लग रहा है, ये जो साउथ एक्स पार्ट टू की जो मार्केट हुआ करती है ना, ऐसे इंडियन मार्केट पार्किंग लॉट बन गई है, आई फील सो अर्लियर, लाइक आई स्टिल रिकॉल द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर, तब दिस प्रॉपर्टी लाइक दिस एग्जैक्ट स्पॉट ऐसा कुछ नहीं था, लोग घूम फिर रहे थे, चल रहे थे बिंदास से, अभी पार्किंग लॉट लग रहा है, एंड वो मेरा फेमस मैकडॉनल्ड्स स्टोर। भाई साहब यहाँ पे इतने टाइम निकाले ना मैंने, देखो मैं हमेशा कहता हूँ
फ्राइड मत खाओ मत खाओ मत खाओ, पर जो तुम्हारा सुबह से ब्रेकफास्ट ना हुआ लंच ना हुआ और तुम्हारे सामने मैकडॉनल्ड है, ऐसा नाटक मत करो। मिर्जापुर का डायलॉग याद है ना, चुप से आओ खाओ। एज ऑलवेज इतनी सी कुक इतना ज़्यादा बर्फ काम बन गया, पर खाते खाके एटलीस्ट निकले यार यहाँ से, आधा दिन चला गया। तुम लोग भी खाओ। लिटरली मान्यवर का यहाँ पे फुल स्टोरी, थ्री स्टोरीज बिल्डिंग उन्होंने लेके रखी है। लाइक आई नो मान्यवर एज अ ब्रांड काफ़ी टॉप पर है एंड फंडिंग भी एक सक्सेसफुल ब्रांड है। मुंबई में भी हर प्राइम फ्लोर में आपको इसका शॉप मिलेगा ही मिलेगा, बट साउथ एक्स में 3 फ्लोर का बिल्डिंग लेना भाई हैट्स ऑफ। दिल्ली में पैसा बहुत है। दिस इज माई भाब्स। हेलो। एंड ये गई थी 1 से 2 घंटे के लिए शॉपिंग करने के चक्कर में, और जो लेने गई थी वो तो छोड़ा है और लेके कुछ और ही आ गए। क्या हो क्या रहा है? लेने गए थे एक चीज और लेके आए दो चीज। ओहो, सेल्स दे के आ रहा है। सेल्स, मेरा फैमिली सेल्स देता है भाई लोगों को, मान गए। मी एंड भाभी डूइंग ऑटो राइड राइट नाउ आफ्टर अ व्हाइल। गूगल पे कुछ चलता नहीं है। चलो इसको तो भेज देते, ये तो नहीं लगती थी मेरी मम्मी। ये हमारे देखो प्यारे चाचू, मुझे ताव लगा। ताव आज तो एक ताव बनता है, एक ताव ताव बनता है तो लाल के मुझे। ये नो बात, मैं भी कर लूं। इतनी मुझे तो बताना नहीं चाहिए। हां मैं भी निकाल, आप निकाल, दोनों साथ ताव मारेंगे, मजा आएगा। आगे से घुमा के लेना, ठीक है? एक शो शुरू होने से पहले बंद हो गया। हो रहा है पहुँच रहा। तो भाई ओवरऑल राइट नाउ मी एंड भाब्स आर लीविंग फॉर सरोजनी, ठीक है? वहाँ जाना है, थोड़े बहुत सामान वामान खरीदेंगे हम लोग। एंड हमारे जो मेन डीओपी है वो रोड की उस तरफ है, उसको मैं उठाऊँगा फिर हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। ये नहीं, इनकी तबीयत थोड़ी ऑफ है आज, मैं तो थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा, ठीक है? ज़्यादा नहीं। एंड देन इवेंचुअली देखते हैं क्या आज होने वाला है, और आई एम होपिंग कि उतनी भीड़ ना मिले। बट आज मिलेगी क्योंकि आज संडे है। आज तो बड़ी भीड़ है ना, भैया भी बता रहे कि आज बहुत भीड़ है, वरना ये हवा ही तोड़ेंगे इतनी बार बार वहाँ पे। एक तो हर गाने में ना सरोजनी की बेइज्जती होती है, पहले बात तो बता देता हूँ। ऐसा कौन सा बॉलीवुड म्यूजिक नहीं है जो हमेशा सबको बोलते हैं आगे सरोजनी से कपड़े पहन के, और इसको जाना है डिस्को। ओ यहाँ मिल गया लौंडा, आ जाओ भाई। मैं पहुंच गया सरोजनी, और यहीं से देख के मुझे लग रहा है हद से ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। ये पीछे जो अभी देखा ना आप लोग ने, ये मेट्रो पे जाने के लिए लाइन है, और लाइन वहाँ से एंड तक है। शिट, आके देखो वो, देखो लाइन वहाँ तक, वो पीछे तक एंड तक लाइन है यहाँ पे। यदि कोई गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी मिली तो उसे क्रेन द्वारा उठा लिया जाएगा। मार्केट में आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक एक्टिविटी। भाई नेक्स्ट लेवल भीड़ है इधर, कुछ भी बोलो। हेलो, तो राइट नाउ वी आर एट सरोजनी नगर मार्केट इन न्यू दिल्ली। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस। इफ यू वांट टू बजट शॉपिंग, वी विल बी शोइंग यू अराउंड द प्लेस, व्हाट यू कैन गेट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ इट, एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कम, बिकॉज करंटली वी आर हियर ऑन अ संडे एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड टाइम दैट यू कैन एवर कम डाउन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड वी शो यू अराउंड सरोजनी नगर न्यू दिल्ली इन विंटर। बनाना तो है, पर पहले हमने शुरू करते डेनिम से। शुरू में आपको फर्स्ट में क्या लेना, लड़के के लिए लेना? पहले ये लड़की के लिए खत्म करते हैं, सेकंड टाइम लगेगा, लड़कों का काफी जल्दी हो जाएगा। कोट 100 रुपीज। चोट कोट लॉन्ग कोट, चोट कोट लॉन्ग कोट, चोट कोट लॉन्ग कोट, चोट कोट लॉन्ग कोट, चोट कोट। ये अलग ही लेवल है, नो नीड फॉर माइक। डील डन, ये लेना भाई। मैं कह रहा हूँ देखो, तुम्हारे चक्कर में सैंटा क्लॉज तक आ गया।
आ जाएगी आपको। अरे वो लग तो रहा है, रुको रुको रुको, फटेगा। फ्रेश पीस नहीं, ये सब बिकता रहता है। अच्छा, बिकता रहता, डालते रहते, लाते रहते। बिल्कुल 250 हो गए। एक चीज तो ले ली फाइनली, खत्म खाना। सेकंड आउटफिट, सॉरी सेकंड प्रोडक्ट द फूड। थैंक यू, डन। क्या नाम है भाई साहब का? डन। हिमांशु को चला गया भाई, हमारा सामान हमारे हाथ में। गूगल पे, हमने गूगल पे किया, उनको जो भी ऐप रहेगा उस पर चला जाएगा। ठीक है भाई, सेकंड आइटम भी डन हो गया। नहीं, बात कर रहे हैं, सही लग रहा है। अरे करी को टॉप बन रहा है, एक नंबर है। अरे एक नंबर बोलते हो आप, ये सब तो हमको अच्छा लगता है, अपना आदमी लगता है। सही लग रहा है, इट्स लुकिंग ग्रेट। ब्लैक टी शर्ट, इट्स लुकिंग ग्रेट। आप बोल रहे थे बड़ी है ना। सो थर्ड प्रोडक्ट भी डन है फॉर कंप्लीटिंग द आउटफिट। अब तो 5 दे रहा हूं, 5 स्टार। ना आई डोंट नो इन पे कैसा लग रहा है, पर अगर अच्छा लग रहा है तो बताना कमेंट में। एकदम 5000 को सबसे बड़ा वाला, नीचे वाले का 2200। ठीक है, गुड, अच्छा है 5000 पर। आई थिंक अपना ऑनलाइन प्राइस भी है एज आई फील, तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ डिस्काउंट मिला है। देन कैरी करके लेकर जाना मुंबई, वही बात हो गई, महंगा पड़ जाएगा। तो वी विल ड्रॉप दिस आइडिया। तो अभी ऑफिशियली देखो तो हमारी शॉपिंग हो गई है, सब ले लिया, ईच एंड एवरी थिंग। आई विल स्टिल से यहाँ पे रश बहुत होती है, इस जगह पे रश, लाइक मैं जो एक्सपेक्ट करके आ रहा था उतना उससे ज़्यादा निकल गया है ओवरऑल, बट इट इज़ वर्थ इट। सामान काफ़ी सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो सही है। कैमरा मैन के हाथ में देख सकते हो सामान है, कैमरामैन सामान पकड़ा हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर रहा हूँ, और आधा सामान भाभी के पास है। तो इवेंचुअली सरोजिनी नगर आना वर्थ है, एकदम वर्थ है, वर्थ है। हमने क्या चश्मा लिया क्या बंदे से, क्या बैग में? वैसे आ रहे तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, संडे को मत आओ। हाँ, इफ इन केस यू आर कमिंग इट्स गुड, पर जल्दी आना और संडे को मत आओ। संडे को नहीं आओगे तो बेटर है, और मतलब 4-5 बजे आ जाओ, 6-7 बजे तो भाई ऑफिस के बाद भी आ जाते हैं लोग। मंडे से चीप मिलता है? अच्छा, यहाँ पे सीजन भी है, मंडे के टाइम पे और सस्ता मिलेगा एंड संडे को थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो वी वरंट अवेयर अबाउट दिस थिंग। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ठंडा हो गया है यहाँ पे, बिकॉज ये टाइम पर अभी टेम्परेचर जो चल रहा है कुछ लगता है 18-19 तक, 18 तो होगी, ले देखें कितने टेम्परेचर, देखो अभी चेक करते हैं। एंड द टेम्परेचर इज 18 degrees राइट नाउ। तो भाई अब थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो भाई प्रोग्राम ये है कि हम जा रहे हैं सबके सब एंड स्टारबक्स जो वहाँ पर है वहाँ पर थोड़ा तो कुछ पियेंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं कुछ पीते हैं जिससे थोड़ा बॉडी गर्म लगे एंड फिर बाद में वापस मचाते हैं। तो आ जाओ। ओके, तो ये जैकेट जो है मैंने अब स्टारबक्स में आने के बाद ही चेक किया, इसके पहले मैंने चेक नहीं किया था, तो आई लाइक इट। तो ओवरऑल जो वीडियो बनाने वाले हैं जो मेन चैनल पर आएगा WTD पर, वो मुझे एक्सपेक्टेड है आप लोग को पसंद आएगा। अब ये बताओ आप क्या पियोगे, कॉफ़ी बेस्ड या चॉकलेट बेस्ड? क्या कॉफ़ी बेस्ड? नो कैमरा लॉर्ड, बट आई एम टॉकिंग टू मी। तो मैं अपेरेंटली यहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते, वो हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैं वीडियो बंद करता हूँ। तो फाइनली अभी काम ये करना है कि हमें जाना है चाची घर एंड चाची घर से हम लोग रिटर्न आएंगे, क्योंकि डैड ने बुलाया है, एक काम है, तो वो भी चीज़ करना ज़रूरी है। एंड देन थोड़ा कुछ खाना वाना भी खाएंगे, अभी तो कुछ खाया नहीं हम लोग ने, तो भाई चलते हैं। तो
तो भाई ये मेरी दादी का घर है, पर अभी मेरे चाचू का घर है। ऐसा बढ़िया पूरा सब मैनेजमेंट करके सेटअप किया ना, जो मजा आया। पेन दिया। तो भाई हमारा आज का पूरा दिन खत्म हो चुका है। ठंडी हवा निकल रही थोड़ी बहुत मुँह से, पता नहीं कैमरा में दिख रही है कि नहीं। दिल्ली में भाई अभी रात के कुछ 12-1 बज रहे हैं एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, लाइक अराउंड 18 डिग्री कुछ चल रहा है ले देखें। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग टुडे। थोड़ा सिंपल सा रखा था, थोड़ा फन सा रखा था, ज़्यादा मस्ती जो है थोड़ी एक अच्छी सी रोड ट्रिप आने वाली है कल जो हम आपको दिखाने वाले हैं। टू ऑल माई फैमिली वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई होप हम लोग फिर से जल्दी मिले। अभी हमें निकलना है बिकॉज हमारी ट्रिप शुरू होगी कल बहुत जल्दी एंड वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कल की वीडियो में। तो तब तक के लिए जितने भी लोग हैं इसको वीडियो पसंद आ रहा है, डू लाइक डू कमेंट एंड अगर आपको चाहिए कि हम कोई और टाइप की वीडियोज़ भी बनाएं, कोई और जगह कवर करें इन दिल्ली एज ऑफ नाउ, तो नीचे कमेंट कर दो, वरना यह है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ फॉलो करके DM कर दीजिए। वो टॉपिक वो जगह हम जरूर जाएंगे। तब तक के लिए तुम जहाँ पर भी हो सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो। मैं मिलता तुमको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।